सो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, जी हाँ, यहाँ पर जो हम आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाले हैं, यहाँ पर 500 मेल कैंडिडेट एंड 200 फीमेल कैंडिडेट की डायरेक्ट भर्ती है। यहाँ पर रेलवे में जो है जॉब्स होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स है, डायरेक्टली बेसिस नहीं है। बिकॉज हम इस वीडियो में सारा का सारा शेयर करेंगे, 8वीं पास है तो भी आप एप्लीकेबल है, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का डिफरेंट पोस्ट होगा। यहाँ पर बताया गया क्लीनर से लेकर के जो सुपरवाइजर है, यहाँ पर काउंटर जो होता है पूछताछ काउंटर है, वहां पर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। इवन की सैलरी बहुत अच्छा है, परमानेंट जॉब से 60 सालों तक का, अगर आपका 18 साल है उसी हिसाब से 60 सालों तक का आपका एग्रीमेंट बनेगा। जी हाँ, फ्री में जॉब्स है, टोटली फ्री है, आपको किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चुकाने। बेसिकली मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए राइट नाउ। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूरा कलेक्ट ध्यान पूर्वक करें। जब तक आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक मेनली आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। बेसिकली हम अपने वीडियो में जो भी शेयर करते ऑथेंटिक तो होता ही होता है, साथ में हम जो भी एक्सप्लेनेशंस करते आपके साथ में वो टोटली फ्री होता है। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होता, जिसके लिए हमने आप लोगों को बोला भी है कि इस चैनल पे जितने भी रिक्वायरमेंट आएंगे टोटली फ्री होगा। जी हाँ, तो इसके लेकर के मेनली हम जो एक्सप्लेन करने वाले प्राइवेट सेक्टर जॉब्स रेलवे डिपार्टमेंट में, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आप लोगों के लिए। आपसे निवेदन है स्टेप बाय स्टेप देखिए और बने रहे। जी हाँ, क्योंकि चलिए हम वैकेंसीज के बारे में डिटेलिंग शेयर करते हैं और आपको बताते हैं। मेनली इसमें मैंने बोला कि 500 मेल एंड 200 फीमेल कैंडिडेट्स नीडेड दिस डिपार्टमेंट। एक्चुअली में क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के तरफ से पेरोल रहेगा। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स है, तो देखिए यहाँ पर परमानेंट जॉब्स का एग्रीमेंट है वगैरह सब कुछ बन रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे कि पोस्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, क्या फैसिलिटीज मिलेंगे, सैलरी क्या मिलेंगे, इवन सब कुछ बताएंगे। देखिए गाइज, यहाँ पर 8वीं पास है तो आपको क्लीनर का पोस्ट मिलेगा, देन की हेल्पर का पोस्ट मिलेगा, लोडिंग अनलोडिंग का पोस्ट मिलेगा। ये 3 से 4 प्रकार के पोस्ट होंगे। सीधा बताएंगे कि 8वीं पास को एक हेल्पर पोजीशंस पे काम करना होगा, 10th पास को गुड गार्ड्स में काम होगा, उसके बाद कैंटीन में, कारपोरेट कैंटीन में काम होगा, एंड यहाँ पर और एसी कोच क्लीनर में काम होगा। ये 10th पास के लिए, 12th पास वालों के लिए यहाँ पर है एसी अटेंडेंट, और यहाँ पर किचन असिस्टेंट, और यहाँ पर है फूडिंग बेवरेज असिस्टेंट, और भी 12th पास वालों के लिए काउंटर पर भी काम है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि जो भी मतलब एसी कोच अटेंडेंट का काम होता है वो आपको जो 12th पास वालों को करना पड़ेगा। इवन अब आते हैं ग्रेजुएशंस और पोस्ट ग्रेजुएशंस में, जिसमें आपको सुपरवाइजर का काम करना पड़ेगा, एसी कोच सुपरवाइजर रहना पड़ेगा, और भी यहाँ पर आपको काउंटर पे जो पूछताछ काउंटर है उस पे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, देन की टिकट काउंटर पे आपका काम रहेगा। देन आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर रेलवे प्राइवेट कर दिया गया है, बिकॉज कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पेरोल पे ज्यादा देखने को मिलता है। देन की यहाँ पर जो ड्यूटी होंगे 8 घंटे की शिफ्टिंग होंगे, और महीने में आपको 26 दिन काम करना है। जब जॉब्स का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टोटली फ्री अपडेट दे रहा हूँ, तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बताइए लाइक कीजिए। अगर वही कोई फेक जॉब रहता, फेक का एक्सप्लेन करके चला जाता, फेक कॉन्टेक्ट नंबर दे करके चला जाता, तो अभी तक आप वीडियो को लाइक पे लाइक ठोके जाते, बिकॉज आप लोग लाइक नहीं कर रहे, ये गलत है। प्लीज़ लाइक नाउ दिस वीडियो, एंड चैनल पे पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब भी कर ले यार, क्योंकि यहाँ पर अपडेट ही अपडेट आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर सैलरी आपको बताऊँ तो क्लीनर का जो हेल्पर पोस्ट पर सैलरी है वो 16,500 रुपये है, एंड जो आपका 10th पास लेवल का है यहाँ पर 18,000 है, एंड 12th पास लेवल का है 19,500, एंड जो ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस में आते हैं वो 22,500 रुपये सैलरी है, प्लस अकोमोडेशन फ्री प्रोवाइडेड बाई जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो देगा, एंड देन की फूडिंग आपका नहीं है, फूडिंग आपका खुद से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी कितना बार आपको बोला हूँ कि देखिए अगर रेलवे डिपार्टमेंट में कोई रिक्वायरमेंट आता है तो उसमें सोच समझ के कीजिएगा। इवेंट बोलता हूं कि हम तो बोलते हैं कि हमारे पास में कुछ पेड रिक्वायरमेंट आए हुए थे रेलवे सेक्टर्स में, उसका भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। हालांकि मैं चाहता तो उसमें लाखों रुपए मैं कमा लेता लोगों से लेकर के, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। एक लोग का नुकसान मतलब कि बहुत हुआ, एंड हम कभी भी नहीं चाहते ऐसा कि हमारे कारण किसी लोगों को नुकसान उठाना पड़े, किसी को गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम यूट्यूब पर
शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, हम सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रहे। पैन इंडिया पे मेनली फोकस रहता है हमारा, बिकॉज कि अभी देखो बेंगलोर लोकेशंस में जिसका जिसका फ्लाइट का टिकट मिलना था मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बिकॉज कि मैं बोलूँ तो अभी रिक्वायरमेंट वहाँ पर शॉर्टली आया था, 5 से 6 लोगों की भर्ती थी, हमने वहाँ पर दिया, इंटरव्यू भी उनका हुआ एंड उनका फ्लाइट कर रही है कंपनी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप समझते हो, हमारा मेनली फोकस है पैन इंडिया पर और हम रिक्वायरमेंट का अपडेट भी करते हैं। बिकॉज आपको अगर कोई कहता है कि रेलवे में प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स है, 20,000 दूंगा आपको परमानेंट जॉब दिलाऊंगा, 30,000 दूंगा आपको परमानेंट जॉब दिलाऊंगा, 40,000 दूंगा आपको परमानेंट जॉब दिलाऊंगा, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि परमानेंट जॉब्स दिला देगा वो, लेकिन आपको जो सैलरी बताएगा वो ये बात ध्यान में जरूर से रख लेना कि वो इन हैंड सैलरी है फिर नहीं है। अगर CTC सैलरी उतना बताता है तो उसमें झोलमाल है, ये बात जरूर देख लेना। अगर CTC बताते कि हाँ इतना सैलरी रहेगा उसमें कटेगा छटेगा, तो तुम पूछना कि कट छट के कितना मेरे हाथ में आने वाला है, कट छट के जो कटिंग होगा पूरा कटिंग छोड़ दो कि कितना कटिंग होगा, कटिंग हो करके मेरे हाथ में इन हैंड कितना आएंगे, बेसिकली ये बात जरूर से पूछना, क्योंकि इन हैंड सैलरी कितना आएगा और सैलरी की गारंटी आप लेते हो फिर नहीं लेते हो। सैलरी की गारंटी लेता है तो डेफिनेटली आप जाओ विजिट करो, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज कि अगर आपको सैलरी की गारंटी नहीं मिलता है प्लीज डोंट कम, आप मत जाओ। एंड इवन कि कोई पैसा मांग के कहता है कि हम आपको काम लगवा देंगे, तो दिस इज ए बिगेस्ट स्कैम्स, आप उस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े, नहीं तो आपके साथ में भी फ्रॉड होना है। क्योंकि आपको खुद अभी के टाइम में, अभी के जेनरेशंस में मैं बोलूँ तो आपको खुद जिम्मेदार होने की जरूरत है, खुद जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। भाई साहब यूट्यूब पे तो अभी नंगा नाच चल रहा है बहुत ज़्यादा, चंद रुपयों के चलते ऐसे ईमान बेचते हैं यूट्यूबर्स, जो जॉब वाले यूट्यूबर्स होते हैं वो। अभी इवन देखो ना, मेरे पास में बहुत सारे अभी स्पॉन्सरशिप के वीडियोस करने के लिए आ रहे, बिकॉज हम क्यों नहीं कर रहे, हमारा फेस वैल्यूज़ है, हमारा सब कुछ है, हम फेस लेकर के आते वीडियोज में, हम कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, हज़ारों लाखों तक कमा सकते हैं, बिकॉज हम क्यों नहीं करते, इसका एक रीज़न है और इसका एक मेनली रीज़न है कि हम किसी बंदे के साथ में ये धोखा नहीं कर सकते। अब कोई बोलता है कि आप घर बैठे पैकिंग का एडवर्टीजमेंट करो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डालो, फ्री में है और बाद में उससे पैसा ले रहा है 1500 करके एक आदमी से ले रहा है। अगर सपोज मानते हैं कि हमें 3,000 रुपये 3 मिनट के वीडियो का स्पॉन्सर दे रहा है और वो 20 बंदों के साथ में फ्रॉड कर रहा है 1500 रुपये का, कैलकुलेट करो 30,000 रुपये, मतलब 10 गुना तो वो कमा रहा है। किसका पैसा जा रहा है? हमारे सब्सक्राइबर का, हमारे कैंडिडेट का, हमारे व्यूअर्स का, हमारे ऑडियंस का। कौन चाहेगा, कौन यूट्यूबर चाहेगा जिसका ईमान नहीं है ना, जिसके भगवान से डर नहीं है, ईश्वर से डर नहीं है, वही यूट्यूबर ऐसा चाहेगा। हम एज ए वेल यूट्यूब पर आते हैं ना, वीडियोस मेक करते हैं ना, तो हमें पैसों से मतलब नहीं होता, कसम से बोल रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब का अर्निंग जो है ना वो इतना कम है कि अगर हम लोग काम नहीं करते, खुद का जॉब्स नहीं करते, इवन हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट रन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और बार बार मैंने अर्निंग शो किया आपका कि भाई देख लो कितना कमाता हूँ मैं, इवन कि आप जॉब करते हो मैं भी काम करता हूँ मेरे दोस्त, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, कोई बड़े बाप का औलाद नहीं हूँ, ये बात सोच लेना। ओके, हमारे पास में इंफॉर्मेशन आता है, हम आपके साथ में शेयर करते हैं, आप जैसे हो सकता है आप मेरे से बड़े हो, बड़े जो भी मतलब जो है पैसा से बड़े हो, जो भी हो, लेकिन भाई तो हो ना। ओके, बाय।